सो हाई गाइज, वेलकम बैक। और गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो रहेगा गाइज, ये रहेगा रिव्यू ऑन विटामिन सी सीरम फ्रॉम फॉक्सटेल। ये रहा एक प्यारा सा बॉटल है ऑरेंज कलर में, और इसके बारे में मैं आपको जितना हो सके इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो मैं पैकेजिंग की बातें इतना नहीं करती हूँ, लेकिन ये बॉटल थोड़ा सा अनोखा था और मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, इसलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक प्यारा सा स्टॉपर है इसको, ये प्रोडक्ट को बाहर आने से रोकते हैं। बाई चांस अगर कहीं पर प्रेस हो जाता है ट्रैवल के वक्त या किसी भी वक्त, तो ये अननेसेसरी इसको लीक होने से बचाएगा। तो ये एक स्टॉपर यहाँ पर दिया गया है, तो मुझे ये प्रोडक्ट में ये चीज़ बहुत खास लगा। साथ ही साथ ये एक पंपिंग बॉटल में आता है गाइस, और इसको अब इसको पंप करना है और प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, बस वही है। और थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि मैक्सिमम जो विटामिन सी सीरम होते हैं या बेसिकली जो भी सीरम होते हैं गाइस, वो ग्लास बॉटल में आता है विद ए ड्रॉपर, तो ये ड्रॉपर नहीं है, इसको आपको बस पंप करना है। सो गाइस, अगर ये प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात किया जाए तो बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट है गाइस, दिस आर नॉट इरिटेंट्स एंड इसमें कुछ भी कोमेडोजेनिक मुझे नहीं मिला है। एंड साथ ही साथ गाइस, ये जो प्रोडक्ट है इसमें टू मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, सुपर स्टार इंग्रेडिएंट जिसको बोलूँगी। और ये जो सुपर स्टार इंग्रेडिएंट है ये है एल एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन ई। तो ये जो टू इंग्रेडिएंट जब हम लोग विटामिन सी के कम्बिनेशन में जब हम यूज़ करते हैं तो विटामिन सी और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको इफेक्ट बहुत जल्दी मिलेगा। यस, अगर बात किया जाए एल एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन ई, तो ये जो टू इंग्रेडिएंट है गाइस, ये टू इंग्रेडिएंट एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हेल्प करता है आपको वेरियस स्किन कंसर्न्स को हील करने में। तो नंबर वन है गाइस, इसमें आपको प्री मेच्योर स्किन एजिंग को हील करने में आपको हेल्प करेगा, और आपको ये डलनेस से भी बचाएगा, देन आपको सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा गाइस। उसके बाद में वेरियस स्किन कंसर्न है जस्ट लाइक पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ठीक है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करना, तो वेरियस और भी अनगिनत यहाँ पे इसकी पॉजिटिव इफेक्ट है जो ये आपकी स्किन को दिखाए। अभी बात कर लेते हैं ये प्रोडक्ट के ऊपर, ये प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी कैसा है, ठीक है, दिखता कैसे है, स्मेल कैसा है, इनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसका टेक्सचर, ठीक है, पंप कर लिया। अब पंप करने के साथ आप देख सकते हो कि इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। जनरल जो सीरम्स होते हैं ये क्या होता है कि एक बार ड्रॉपर के साथ जब मैं यूज़ करती हूँ तो एक तरह से वाटरी कंसिस्टेंसी निकलता है या थोड़ा सा स्लाइमी कंसिस्टेंसी निकलता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, और एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा हल्का सा टाइम लेता है, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। वाटरी कंसिस्टेंसी में जल्दी ग्लाइड हो जाता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। बाकी जब मैं इसको स्किन में यूज़ करती हूँ गाइस, थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होता है, ठीक है, ठंडा ठंडा सा फील होता है। और ये जो प्रोडक्ट है गाइस, जब भी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे एक हल्का सा एक स्मेल भी आ रहा है, थोड़ा सा अनोखा स्मेल है, फ्रूटी फ्रूटी स्मेल है गाइस। और ये जो स्मेल है इतना पावरफुल नहीं है, थोड़ा सा हल्का है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद में ये स्मेल थोड़ा सा गायब भी हो जाएगा। तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, इतना कंसर्न होने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा इरिटेंट होता है, ठीक है, विथ परफ्यूम विथ फ्रेग्रेंस, तो इनको यूज़ करने के पहले में थोड़ा सा पैच टेस्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गैस, ये प्रोडक्ट को मैंने अराउंड 15 डेज यूज़ किया हुआ है, और 15 डेज में मुझे मेरे चेहरे में बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले हैं जो कि बहुत अच्छे इफेक्ट है गैस। और ये जो इफेक्ट है, इनमें से नंबर वन इफेक्ट है कि मेरे स्किन और भी ग्लोई हो चुका है, आप देख सकते हो कि कितना ग्लो है। और मेरे जो आधे से ज़्यादा जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन का जो इशू था थोड़ा सा यहाँ पे चिक्स में थोड़ा सा रहता ही है, तो ये भी बहुत सारे हल्के हो चुके हैं। हल्के होने के साथ साथ गाइस, मुझे एक्ने का इशू नहीं हुआ या कुछ इरिटेंट का इशू नहीं हुआ, या अगर कोई बोलता है कि कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद स्किन में रेडनेस होने लगते हैं, ऐसा कुछ भी इशू मेरी स्किन में नहीं हुआ, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट था मेरे लिए। फिर गाइस, अगर इसकी कंसिस्टेंसी
की बात किया जाए गाइस, तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ये समर के लिए प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है गाइस, और समर में जब भी हम लोग इस तरह के थिक सीरम्स या थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे तो स्किन में ज़्यादा स्वेटिंग का इशू आ जाता है। मेरा जो स्किन है गाइस ये है कम्बिनेशन स्किन, तो मेरे लिए ये ठीक ठाक था। कंसिस्टेंसी की बात किया जाए तो मुझे ज़्यादा स्वेटिंग का इशू नहीं हुआ, ठीक है ना, ना ऑयल ज़्यादा निकला। और क्योंकि गैस अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो मानसून के दिनों में मैंने जब भी इसको यूज़ किया है मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये बहुत हैवी है या मेरे चेहरे पे और सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, नहीं ठीक ठाक था। लेकिन गैस ये समर में और भी ज़्यादा ये स्वेटिंग करा सकता है, क्योंकि ये इतना थिक है गैस कि आपको ऐसा फील होगा कि आपने सीरम नहीं आपने मॉइस्चराइजर यूज़ किया हुआ है। मतलब आपको ये यूज़ करने के बाद में ज़रूरी नहीं होता कि आप ऊपर में फिर दूसरा लेयर कुछ यूज़ कर लें। तो गैस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस तरह के सीरम यूज़ करें जो कि थिक है, तो इसमें मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसके ऊपर और भी थिक लेयर वाला मॉइस्चराइजर कुछ यूज़ करें। बाकी गैस मैंने इसको पेयर किया था विद सेबामेड मॉइस्चराइजर, क्योंकि सेबामेड मॉइस्चराइजर थोड़ा सा जेल बेस है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा मेरा जो स्किन है ये हल्का थोड़ा सा लाइट फील हुआ जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। बाकी अगर समर में इसको यूज़ करने के बाद अगर आप थिक मॉइस्चराइजर क्रीम बेस्ड कुछ थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो तो मुझे लगता है कि आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो प्रोडक्ट है ये विंटर के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत मॉइस्चराइजिंग है, लेकिन समर के लिए जून जुलाई के मंथ्स के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये थिक प्रोडक्ट है गाइस। और बाकी ये ऑल टाइप स्किन के लिए बोला गया है, लेकिन ऑयली बेस जो स्किन है गाइस उनके लिए मैं नहीं बोल सकती कि ये इतना अच्छा रहेगा, क्योंकि काम तो अच्छा है लेकिन समर के डेज में ये आपके ऑयल सिक्रेशन को और बढ़ा देगा, आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम जरूर होने वाला है। सो या गाइस दिस वॉज माई ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस विटामिन सी सीरम फ्रॉम फॉक्सटेल, एंड अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगता है देन डू कमेंट और डू सब्सक्राइब। थैंक यू।